हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की पहली न्यूज है रेडमी की तरफ से। तो आज रेडमी 9 को मिल चुका है FCC सर्टिफिकेशन और इस सर्टिफिकेशन से इसके स्पेसिफिकेशंस पता चल जाते हैं। तो इस फोन में हमें 4990 mAh की बैटरी मिलने वाली है और ये फोन MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आने वाला है। इस फोन में हमें MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर भी मिलने वाला है और रेडमी इस फोन को सून लॉन्च करने वाला है। तो तो क्या आप लोग Redmi 9 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है Realme की तरफ से। तो आज Realme के एक नए फोन को मिल चुका है NBTC सर्टिफिकेशन और कुछ दिन पहले इसी फोन को EEC सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और इस NBTC सर्टिफिकेशन से इसका नाम कंफर्म हो जाता है। तो इस फोन का नाम होने वाला है Realme C11। ये लोग Realme C3 के बाद डायरेक्ट Realme C11 को लॉन्च करने वाले है। Realme C4 वो लोग लॉन्च नहीं करने वाले। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है OnePlus की तरफ से। तो आज OnePlus के बजट फोन का लाइव फोटोग्राफ लीक हो चुका है और वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहाँ से ये पता चलता है कि इस फोन में हमें ग्लास बैक मिलने वाला है एंड इस फोन में हमें ट्रिपल रियर कैमराज भी मिलने वाले है और ये फोन जुलाई मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों क्या आप लोग OnePlus के बजट फोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज Vivo की स्मार्ट वॉच को मिल चुका है 3C सर्टिफिकेशन और इस सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि इसका नाम होने वाला है Vivo वॉच। इसमें हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं ये तो अभी पता नहीं चला, बट मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता ही दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है मोटरोला की तरफ से। तो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस 16 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये आज कंफर्म हो चुका है और ये फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फोन होने वाला है और आज फ्लिपकार्ट पर इसका प्रोडक्ट पेज भी लाइव हो चुका है। दोस्तों आज iPhone 12 Pro के केसेस लीक हो चुके हैं, जहां से iPhone 12 Pro की डिजाइन कैसी होने वाली है ये भी पता चल गया है और iPhone 12 Pro के केस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों क्या आप लोग iPhone 12 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो आज सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस Geekbench की वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जहां से ये पता चलता है कि इस टैबलेट में हमें स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर मिलने वाला है एंड इसमें हमें 6GB ऑफ रैम भी मिलने वाली है और ये टैबलेट सैमसंग सून लॉन्च करने वाला है। दोस्तों आज की आखिरी खबर है सोनी की तरफ से। तो कल मैंने आपको कहा था कि सोनी अपना TWS ईयरफोन 24 जून को इंडिया में लॉन्च करने वाला है और आज ऐसा पता चला है कि सोनी एक नहीं बल्कि दो TWS ईयरफोन 24 जून को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।